जैसे पानी होते वो शाम टाइम या सुबह टाइम में बहुत गंदी आती है, और जब हम साफ आते हैं तब जब लोग भरने जाते हैं ना तब खत्म हो जाते हैं। सरकार क्या दे रहा है, यहाँ काम करते खाते हैं, नहीं करेंगे तो कौन देने वाला है। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली भाषण दे रहे हैं घूम घूम के। बीजेपी ने जो है क्या नाम है आपस में लोगों को मतलब लड़ाने के काम करे हैं, हिंदू मुस्लिम जातिवाद का सिस्टम करा है। और क्या करा है बीजेपी ने, मंदिर अगर बनवा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, वहाँ से हम लोगों के लिए खाना थोड़ी आएगा। कहता नहीं विपक्ष लोकतंत्र हत्या हो गया क्या? 1975 में इंदिरा गांधी क्या किया था देश को इमरजेंसी लगा के, कोई उस समय लोकतंत्र हत्या नहीं हुआ था? हम लोग इस वक्त कीर्ति नगर की फर्नीचर मार्केट में मौजूद हैं, जहां से दूर दूर से लोग जो है वो इस मार्केट में आते हैं अपना फर्नीचर खरीदने। तो हम लोग लोकसभा चुनावों को लेकर यहां पर लोगों से बातचीत करने आए थे। देखिए अभी ये देखिए कि ये एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट है, यहां पे दूर दूर से लोग आते हैं फर्नीचर खरीदने। आज हम इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे कि पिछले 5 साल में इन लोगों के लिए क्या कुछ हुआ है, क्या कोई बदलाव आया है इस फर्नीचर मार्केट में या नहीं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये दिल्ली की वो सीट है जो बेहद दिलचस्प होने वाली है। क्यों? वजह है यहाँ से बांसुरी स्वराज और साथ ही में आम आदमी पार्टी के 3 बार विधायक रहे सोमनाथ भारती के बीच में लोकसभा की जंग। जी हाँ, इस वक्त हम लोग दिल्ली के कीर्ति नगर में मौजूद हैं, ये नई दिल्ली सीट पड़ती है। कुछ लोग आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर हैं, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए मीनाक्षी लेखी को देखा है? नहीं देखा। क्या जानते हैं कौन है वो यहाँ की? ये मालूम नहीं। नहीं मालूम। आपने देखा है मीनाक्षी लेखी को? नहीं हम तो नहीं देखे। आपने देखा है? नहीं, वो यहाँ कहाँ आई है, जब से इलेक्शन हुआ उसके बाद गई है तो आई नहीं है। अच्छा, मतलब जानते हैं उन्हें? जानते हैं, यहाँ सांसद है, यहाँ हाँ यहाँ के सांसद है, मंत्री भी रही है, 2 बार से सांसद रह चुकी हैं। सांसद रही है। नहीं जानते आप? नहीं, आती है लेकिन आई नहीं है अभी, इलेक्शन के बाद कहाँ देखे हैं, इलेक्शन जो हुआ उसके बाद अभी तक नहीं देखे यहाँ। हाँ ये बताइए यहीं पे काम करते हैं फर्नीचर मार्केट में आप? हाँ हम ही ये करते हैं। क्या काम करते हैं, फर्नीचर वर्नीचर बनाते हैं? हम नाई के काम करते हैं। अच्छा, नाई का काम करते हैं। क्या बदलाव आया इस जगह पे, कुछ काम हुआ है, कुछ विकास हुआ है? तक कुछ काम नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ है, वैसे है, कोई बदलाव नहीं है, हटो जरा बात करने दे, तुम तो वोट डालने जाओगे नहीं अभी। जानते हैं मीनाक्षी लेखी को? जानते हैं, मतलब इस टाइम क्या बताऊं, अभी कोई यहाँ पर कोई समस्या हल नहीं हुआ है। क्या समस्या हल नहीं हुई, क्या समस्या आ रही है? देखो बाथरूम यहाँ पे बना हुआ है, बाथरूम का समस्या है, कभी पानी आता है नहीं, कभी गंदाई इतना होता है, कहे बात नहीं, नहाने का ठिकाना होता है, डिप्टी ऐसे जाने पड़ता है, टाइम टेबल से पानी नहीं आता है, हम सभी रात दिन चलने वाला है, गाड़ी घोड़ा चलाते हैं। हाँ इधर आइए। पानी जो भी इधर आता है तो पहले गंदा ही 2 घंटे लगातार आएगा, तो थोड़ा साफ आएगा तब तो पानी खत्म हो जाता है। फर्नीचर मार्केट में, ये फर्नीचर मार्केट है ना? हाँ जी, यही पूरा कीर्ति नगर एरिया में ये सिस्टम है। हाँ, कि 2 घंटा सवेरे थोड़ा साफ आएगा, फिर हाँ। 2 घंटा गंदा पानी आएगा, उसके बाद जब पीने लायक पानी आएगा तब खत्म, बंद हो जाएगा। ये बताइए आप क्या काम करते हैं यहाँ पर? हम तो यहाँ रिक्शा चलाते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं दोस्त? दोनों ड्राइवरी करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, जो फर्नीचर यहाँ पे बेचते हैं कुछ उन लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं। अंकल क्या काम करते हैं आप? हम तो मजदूरी करते हैं फर्नीचर का। फर्नीचर, हाँ लकड़ियों का काम अंकल कर रहे थे, कुर्सी बना रहे हैं, मेज भी है यहाँ पे, बेड वगैरह सब कुछ बनते हैं। कितने साल से यहाँ पे काम? मैं तो कम से कम 20-25 साल से हूँ। 20-25 साल से काम कर रहे हैं? हाँ। तो आवाज इतना दम दिखा के जरा बोलिए। 20-25 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ। दिक्कत परेशानी है यहाँ? नहीं, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये बताइए सांसद को देखा है यहाँ पे आप? मैं तो नहीं देखा हूँ। नहीं देखा। सरकार के काम से खुश हैं? हाँ, जो हो रहा सही हो रहा है। क्या हो रहा है? जो कर रहे हैं सरकार ठीक ही कर रहे हैं। क्या करा आपके लिए, आपके लिए क्या किया? हमें क्या चाहिए, हमें मजदूर आदमी, हमें क्या चाहिए, हमें काम चाहिए, पैसा चाहिए। मिल रहा है आपको? हाँ हमें तो मिल रहा है। चलिए आप क्या करते हैं अंकल जी? हम भी फर्नीचर का काम करते हैं। हाँ जी। खुश हैं सरकार के काम? हाँ
खुश हैं? हाँ। क्या दे रही है ऐसा सरकार अब? सर कॉलोनी देती है, शौचालय दिया है, पानी का सुविधा गांव पे दिया है, हर चीज सुविधा दे रही है, तो उसी का नाम लेंगे ना। हाँ फ्री राशन मिलता है आपको? हाँ यूपी में योगी सरकार मोदी सरकार दे ही रही है। दिल्ली में क्या हालात हैं? दिल्ली में कैसा है आपका? दिल्ली में तो हमारा यहाँ का है नहीं। हाँ। यहाँ ठीक ही चल रहा जो है। हाँ। रहते कहाँ पर हैं आप? शादीपुर। शादीपुर में रहते हैं? हाँ जी। ये बताइए सांसद को देखा है? आते हैं यहाँ। हाँ क्या करना है? जैसे भाषण वोषण देने तो यहाँ आते हैं लोग। मतलब आपकी समस्याओं को सुनने नहीं आती हैं? हम लोग तो अपने में बिजी हैं तो कहाँ जाएंगे। अच्छा आप उनसे ज़्यादा बिजी हैं? काम में रहेंगे तो नौकरी किसी का करेंगे तो दिक्कत होगी ना। हम मजदूर आदमी है तो मजदूरी करना पड़ेगा ना हमको। नाक्षी लेखी है? अच्छा जानते हैं आप? नहीं जानते। कभी नहीं आई वो यहाँ पे? तो नहीं आई। प्रचार के दौरान भी नहीं आई? देखिए पिछले 10 साल से वो यहाँ पे हैं सांसद के तौर पर। नहीं आई कभी। सरकार के काम से खुश हैं? बीजेपी से। बीजेपी से क्या कर दिया ऐसा बीजेपी ने? बीजेपी ही सांसद है वो जो यहाँ पर है? है तो नहीं जानता उनको, लेकिन बीजेपी की वोट देंगे हम। वोट देंगे क्यों? क्या काम कर रही है ऐसा बीजेपी? क्यों बीजेपी सब कुछ कर रहा क्यों नहीं कर रहा? क्या सब कुछ क्या कर रहा? देश को आगे बढ़ा दिया। देश को क्या? देश को आगे बढ़ा दिया। हाँ। तो देश के लिए तो बहुत कुछ कर दिया, भविष्य को अगला विकास कर दिया, और क्या चाहिए उसके लिए? सांसद को लेकिन आपने देखा है? सांसद बीजेपी के ही हैं? नहीं उनको हम कभी नहीं देखे हैं, मगर सुने हैं उनके बारे में। नाक्षी लेखी के बारे में सुने हैं उनको? क्या सुने हैं? वो थोड़ा बहुत पर न्यूज व्यूज पर देखे थे हम कभी, और ऐसे हम कभी कुछ नहीं देखे हैं। काम धंधा तो बीजेपी अपना, बीजेपी के लिए तो कोई चीज़ का तकलीफ ही नहीं है। वोट तो बीजेपी ही जीतेगा, अगला बार भी जीता था अभी भी जीतेगा वो, उनके लिए तो इसमें कोई चीज़ का संकेत ही नहीं है। बीजेपी ने ऐसा क्या काम कर दिया आपके लिए? बीजेपी विकास बढ़ाए, आगे को सब चीज़ को, गरीब को रोटी खिलाए, फर्नीचर, अच्छा क्या, गरीब को रोजी रोटी दिए, बहुत चीज़ की है। अच्छा। और क्या चाहिए? फर्नीचर मार्केट में कुछ बदलाव आया? हाँ बदलाव है थोड़ा बहुत। जैसे क्या? थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है अपना, रोजी रोटी जो गरीब को चल रहा है। मजदूर खुश हैं? हाँ मजदूर बहुत खुश हैं सब। खुश हैं? अच्छा काम कर रहा है सरकार? हाँ अच्छा काम सरकार कर रहा है। चलो बेटा इधर आओ, क्या बोलना चाहते हो? हम बोलना चाहते हैं यहाँ पे जिनके पास जैसे पानी होते वो शाम टाइम या सुबह टाइम में बहुत गंदी आती है, और जब हम साफ आते हैं तब जब लोग भरने जाते हैं ना तब ख़त्म हो जाते चल जाते जिनके पास हम जैसे हमारे पास सुविधाएं हैं जैसे मोटर उन सबसे हम तो चला के भर लेते हैं, जिनके पास नहीं है वो कैसे भरेंगे? बड़ी बात बोल रहे हैं। क्या फिर कुछ उपाय है इस चीज़ का, सॉल्यूशन है? क्या करते हो आप बेटा? मैं तो हम तो कुछ नहीं, हम तो पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? सेवन्थ। सेवन्थ में। तो घर कहाँ पर है? यहीं रहते हो कीर्ति नगर में? हाँ। इधर ये जो झुग्गी झोपड़ी है यहाँ पर रहते हो? कहाँ? यहाँ यहीं रहते हो। घर में कितने लोग हैं? अभी तो मैं, मेरी मम्मी और भैया और पापा। और ये बताइए क्या परेशानी आ रही है घर में, कुछ दिक्कत परेशानी है? सब अच्छा है। तो ये आप उनकी दिक्कत बता रहे थे जो लोग इस दिक्कत से जूझ रहे हैं? हाँ। आपने यहाँ की सांसद को देखा है कभी? हाँ मनी। हाँ देखा है आपने? हाँ। क्या करने आई थी यहाँ पर? यहाँ पे एक बार तो जैसे एक जैसे कोई सब आए थे मोदी, पता नहीं कोई बोर्ड वोर्ड होते हैं ना वो यहाँ पे आए थे, तो उसी टाइम यहाँ पे आए थे एक तो वो यहाँ, और एक वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था तो एक बार वहाँ आए थे। तो अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है तब वो आपकी बात सुनने नहीं आते? आपको कोई समस्या हो परेशानी हो जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे बस्ती में, उनकी दिक्कत परेशानी सुनने नहीं आती? नहीं बस दो बार आए थे, एक इस टाइम और एक वहाँ पे बस। आपको पता है पिछले 10 साल से वो यहाँ पर हैं सांसद के तौर पर? 5 साल में आपने कितनी बार? 2 बार देखा है। हाँ। और वो भी आपकी बात नहीं सुनी है। ये बताइए मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं, जानते तो हो गई मोदी जी को, कैसा काम कर रहे हैं? वैसे तो अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम आपके लिए किया, आपके घर वालों के लिए? हमारे से तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे यहाँ पे थोड़ा और अच्छा करने के लिए। अच्छा हो सकता है बस्ती वालों के लिए। हाँ। अंकल जी यहाँ पे क्या काम करते हैं? यहाँ पर हम करते हैं लोहा लकड़ उठाते हैं। हाँ। खुश हैं सरकार के काम से? हाँ? खुश हैं सरकार के काम? सरकार क्या दे रहा है, यहाँ काम करते तो खाते हैं, नहीं करेंगे तो कौन देने वाला है?
सरकार तो कुछ नहीं कर रहा, सरकार हम लोग को क्या दिया, कुछ नहीं दिया। मजदूरी करते हैं तो खाते हैं। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली भाषण दे रहे हैं घूम घूम के। यहाँ की सांसद को देखा है आपने? हाँ देखा है। कौन है बताइए एक बार? अब कौन है सो नहीं जानता, नाम नहीं जानता, एक दिन देखा है इधर ही। अच्छा, तो 5 साल में कोई काम विकास वगैरह फर्नीचर मार्केट में कुछ बदलाव आया? हम तो नहीं देख रहे हैं कोई बदलाव, तो सेठ लोग बताएंगे क्या बदलाव है नहीं बदलाव है। यहाँ तो कोई बदलाव नहीं है, जैसे 5 साल पहले था वैसे अभी देख रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही है अभी आपको यहाँ? हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो मजदूरी करते हैं तो खाते हैं। नहीं करोगे तो नहीं मिल पाएगा? नहीं कहाँ मिल पाएगा, ये दिक्कत ही तो है। हाँ दिक्कत तो है ही। क्या लगता है फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे दोबारा? मोदी जी दोबारा अभी नहीं तो नहीं बनेंगे, चाहिए तो नहीं, अब बनेंगे भी तो जोर तोर के बनेंगे। यही रहते हैं आप? हाँ यही जॉब करता हूँ 15 साल से ही मंडी में। अच्छा। जी फर्नीचर कुछ बदलाव आया 5 साल में? कुछ 5 साल में बदलाव तो काफी आया है। जैसे क्या क्या? जैसे सड़कें हैं, साफ सफाई। हाँ गंदगी है, साफ सफाई आपके सामने। गंदगी है ही जो किया तो ये, सर एक बात बताइए, फर्नीचर मार्केट है, फर्नीचर फैला होना चाहिए, कूड़ा कचरा या फिर ये कौन सा फर्नीचर है जिसमें डोमिनोज के डब्बे गिरे हुए हैं यहाँ पे? ये तो नाली में जा रहा, तो निकालते हैं। नाली नहीं होनी चाहिए ना, मतलब कि साफ सफाई नहीं है। साफ सफाई तो अभी कहाँ इतनी, अब देख ही रहे कूड़ा पड़ा हुआ सारा सामने आपके। क्या बदलाव आया फर्नीचर मार्केट? फर्नीचर मार्केट में यही है कि बदलाव तो क्या है, काम भी जो था वो भी ठप हो गया है, काम है ही नहीं, काम बिल्कुल ख़त्म है। अब पहले हम गाड़ी चलाते थे, अच्छा काम था, तब तो बोनी भट्टा भी नहीं होता है, ऐसे ये काम हो रहा है। अच्छा। जी यहाँ की सांसद को देखा है आप? सांसद को तो नहीं देखा है। मीनाक्षी लेखी हैं, नाम जानते हैं उनका? हाँ नाम तो पता है। कभी नहीं देखा, कभी आई नहीं इलाके में निरीक्षण करने? कम आती है। ये बताइए मोदी जी के काम के बारे में कुछ बताइए। मोदी जी क्या काम कर रहे हैं अभी, तो काम तो अब बाजार में है ही नहीं, तो काम क्या बताएं, हम तो रोजगार बैठे बेरोजगार, काम है ही नहीं, घर से आते हैं बैठे जैसे काम बैठ के चले जाते हैं, मार्केट में काम ही नहीं। जी क्या क्या कितना काम हुआ है दिल्ली के अंदर, केजरीवाल ने क्या काम किया ये तो देखने आए हो, कितनी सफाई है, क्या रोडें बनवाई हैं, क्या सड़कें बनवाई हैं, क्या नाले बनवाए, सारा कुछ किया, सही तो किया है उसने। मोदी जी ने कैसा काम किया? मोदी ने तो कुछ 2 पैसा काम किया है देख लो, मोदी ने दो पैसे का काम किया यूपी में लेके, कहीं भी देख लो जाके, मोदी ने कुछ नहीं करके दिया आज तक, उसने तो अपनी जेबें भरी हैं और पैसे वालों की जेब भरी हैं, गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचा कभी भी किसी ने, उसने ना मोदी ने ना योगी ने अपने बारे में सोचा है, अपनी सरकार के बारे में सोचा है, अपने लोगों के बारे में सोचा है, और किसी के बारे में नहीं सोचा। हाँ जो गरीब के बारे में सोचा है ना उसे पता है कितना केजरीवाल ने सोचा, लॉकडाउन में लेके अब तक क्या किया क्या नहीं किया, लोगों के लिए खाना पहुँचाना जा रहे हो, लॉकडाउन लग गया जी, कितनी पब्लिक मरी थी, किसने लॉकडाउन किया उस टाइम पे, मीडिया आई थी, कौन आया था यहाँ, कोई देखने आया था? बताइए आपको पता है ना बीजेपी की ही सांसद है यहाँ पे, बीजेपी की सांसद को देखा नहीं आपने यहाँ की? यहाँ का दूसरा जीता हुआ है वो मैं जानता हूँ उसे, यहाँ का जो जीता है ना केजरीवाल की पार्टी से उसे मैं जानता हूँ। मैं सांसद की बात कर रही हूँ, जो अपना काम करा रहा है ना केजरीवाल की पार्टी का वो सही है, वो बढ़िया काम करा रहा है जितना भी है, कितना बीजेपी मतलब इलाके में अच्छा काम नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही, किसी को भी पता कर लो। आपने देखा है यहाँ पे मीनाक्षी लेखी को? हाँ जी देखे है। हाँ जी कहाँ देखा है? मोती नगर विधानसभा में। अच्छा, क्या करने आई थी? उद्घाटन करने आई थी। उद्घाटन करने आई थी या समस्याएं भी सुनती है? बहुत सुनती है समस्या बीजेपी का। काम हुआ है विकास? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। क्या हुआ है फर्नीचर मार्केट में, क्या बदलाव आया पिछले 5 साल? मार्केट में हम तो रहते नहीं, मोती नगर में रहते हैं, मोती नगर के मार्केट में बहुत विकास हुआ है उससे। हाँ जी 5 साल के 2-3 काम बता दो मुझे। 5 साल के उनके 5 साल के कार्यकाल के, हालांकि वो 2 बार से सांसद रही हैं यहाँ पे, है ना, 10 साल हो गए, लेकिन आप 5 साल में कोई एक आधा काम बता दो। उन्होंने बहुत काम किया हमारे लिए, तो गरीबों के लिए बहुत काम कर रहा है मोदी जी, बहुत काम कर रहे हैं। मीनाक्षी लेखी से हमें मतलब नहीं है, लेकिन मोदी जी विकास बहुत कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। हाँ जी राम मंदिर बन गया, 370 धारा हट गया देश में, ये बहुत हो गया, आज तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं जो किया वो बीजेपी ने कर दिखाया है। दिल्ली में शराब घोटाला में केजरीवाल जेल में जाकर बैठा हुआ है, लेकिन इस्तीफा देने को नाम नहीं ले रहा है, और जेल से कभी सरकार चली आज तक जनता के लिए?
जेल से सरकार कभी नहीं चलती है, जेल से तो दूसरा मुख्यमंत्री भी आके देश में कहेगा जी मैं भी अब जेल से ही सरकार चलाऊंगा, मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। इधर नई परंपरा शुरू हो गया जेल से, जेल सरकाओ सरकार चलाओ। आपका घोटाला नहीं है, आप नहीं आरोपी हो, आप सिद्ध करो ना उस चीज़ को। आप सिद्ध नहीं कर रहे हो, आप जेल में जाकर रोटियाँ तोड़ रहे हो आराम से बैठ के, सरकार के मुनाफा ले रहे हो, क्या कर रहे हो इसके लिए? आप इस्तीफा दे दो ना, अपनी जाँच करा लो पूरी तरह से। कितने साल से काम कर रहे हैं फर्नीचर मार्केट? हमें तो महीना दिन हो गया। हाँ, आप सांसद को देखा है यहाँ पे? नहीं, मैं गया ही नहीं। क्या बदलाव हुआ है यहाँ पे फर्नीचर मार्केट में, सांसद ने क्या करवाया? वैसे है, क्या बदलाव हुआ है? कमा रहे खा रहे हैं, इसमें कौन सी बात है? कर रहे हैं खा रहे हैं, इसमें कौन सी बात है? नहीं करेंगे कब मोदी देगा खाना कि केजरीवाल देगा? कोई नहीं देगा, करेंगे तभी मिलेगा। मोदी जी ने कोई काम नहीं किया क्या? मोदी जो वादा किया तो अपना वादा संसद में है, यहाँ थोड़ी वादा किसी के पास है। क्या लग रहा है बनेंगे प्रधानमंत्री देश के? भैया जो बने, कोई भी बनेगा प्रधानमंत्री खाना नहीं देगा, करेंगे तब मिलेगा। करेंगे तभी मिलेगा, मोदी और केजरीवाल कोई नहीं देगा। बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, आप क्या करते हैं? मुझे कुछ नहीं है, फर्नीचर का काम करते हैं जी। कितने साल से करते हैं? लगभग 15 साल से। 15 साल से करते जी हाँ। आपकी तो उम्र भी मुझे ज्यादा नहीं। 38 साल उम्र है मेरी। 38 साल जी। 15 साल से आप? 15 साल से काम कर रहे हैं। आप तो पता होगा आपको फर्नीचर मार्केट के बारे में, क्या बदलाव आया या फिर सब वैसा ही? बदलाव बहुत सारा है, सारी रोड नई पड़ गई और केजरीवाल सरकार हमें 200 यूनिट फ्री दे रही है, पानी का बिल फ्री दे रही है, बसों में महिलाओं की सुविधाएं हैं, ये सब। बीजेपी की सांसद है यहाँ पे, उनको देखा है आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा। ना ना, कभी नहीं देखा? कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा मैंने। तो कुछ विकास हुआ नहीं होगा फिर तो, जब आपने देखा नहीं है? इस बारे में पता ही नहीं, जब मोदी का क्या नाम है, कौन सांसद है, कौन है यहाँ से, जब पता ही नहीं है तो। हमें तो ये पता है कि यहाँ पे फर्नीचर मार्केट में केजरीवाल सरकार काम करा रही है। बीजेपी ने नहीं करा ना? बीजेपी ने बताओ कौन सा काम कराया है यहाँ? चुनावी प्रचार के लिए भी नहीं आई? ना ना ना, यहाँ पर नहीं आई। मीनाक्षी लेखी को नहीं देखा? नहीं, मैं नहीं देखा। कभी आए तब तो देखे, कभी आए मंडी में बैठे, कभी पूछे किसी से। तो मोदी सरकार कैसा काम कर? बीजेपी ने एक ही काम करा है। बीजेपी ने जो है क्या नाम है, आपस में लोगों को मतलब लड़ाने के काम करे हैं, हिंदू मुस्लिम जातिवाद का सिस्टम करा है। और क्या करा है बीजेपी ने? यही काम करा है, मंदिर वाला काम। मंदिर अगर बनवा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, वहाँ से हम लोगों के लिए खाना थोड़ी आएगा, रोजगार कौन देगा हमें? रोजगार तो है ही नहीं। मोदी ने यही काम करा है अब तक, और क्या करा है? मोदी जी के काम से मतलब खुश नहीं है? अच्छा काम? नहीं नहीं, बिल्कुल भी खराब काम है उनके सारे। क्या लगता है देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार? हमारे हिसाब से तो नहीं बनना चाहिए, कांग्रेस आना चाहिए। आपके हिसाब से होगा? 400 पार होगा। आपके हिसाब से होगा, हमारे हिसाब से तो नहीं होगा। पहले जिस टाइम क्या लगता है फिर राहुल गांधी आनी चाहिए? हाँ बिल्कुल आना चाहिए, कांग्रेस आना चाहिए। दिल्ली के अंदर केजरीवाल आना चाहिए, दिल्ली के अंदर केजरीवाल। तो जेल में है केजरीवाल, दिल्ली में जेल से सरकार चलाएंगे क्या? उनके खिलाफ अभी तो कोई सबूत थोड़ी मिला है। सबूत नहीं मिला ना। अभी जब कांग्रेस थी जिस टाइम पे काम मिल रहा सबको, सबको काम मिलता था, जब से सरकार आई है। एक मिनट रुक जाइए, सुनिए, बात करने दीजिए, रुक जाइए। जब से कांग्रेस थी उस टाइम पे सबको, ए से लेकर जेड तक सबको काम मिलता था। अब इस सरकार में रोजगार ही नहीं है, कांग्रेस के राज में सबको काम मिलता था, इसकी सरकार में किसको काम मिला है? सब खाली बोल रहे थे ना, राम मंदिर बन गया तो वहाँ से रोजगार थोड़ी ना आया। रोजगार से मतलब नहीं है देश को। एक बात बताइए, आस्था सबसे बड़ा है कि नहीं हिंदुओं के लिए? मतलब रोजगार नहीं चाहिए, आस्था करते रहे। हमारे को आस्था पहले हमारे को चाहिए, भगवान हमारे को पहले चाहिए। आस्था तो मिल, भगवान खाना तो मिल जाएगा कहीं भी कमाएंगे तो। ये पहले क्या होता था, रोजगार क्यों नहीं होता है? पहले GST नहीं था, 100 तुम्हारे को दे रहा, 50 पिछलिए का देके काम अपना हो रहा है, चल रहा है दुनिया। पहले टैक्स भरता था देश अपना ईमानदारी से, जब क्यों मोदी जी ले आते GST? क्यों चोरी करने का आदत पड़ गया था देश को, व्यापारियों को? मंडी में जाकर पूछो किससे, किसान मंडी माल कुछ और आ रहा है, मंडी में भी कुछ और रहा है, वो अपना भी टैक्स जोड़ दे रहा मंडी वाले, हर चीज को तो बिचौलिया खा रहे पैसा। इसमें कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस के सरकार ने क्या किया देश में, क्या किया? सब में तो घोटाला ही घोटाला हुआ था, घोटाला ही तो सब बड़ा था।
2G घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, दिल्ली में खेल घोटाला हुआ, सारे घोटाले तो उसी के राज में आया थे। मोदी जी के 10 साल राज्य में कौन सा घोटाला शामिल हुआ देश के सामने? इधर आओ, मोदी जी के सामने हुआ है। आज सुनिए सुनिए, आज सुनिए, विपक्ष कहता है लोकतंत्र हत्या है, कहता नहीं विपक्ष लोकतंत्र हत्या हो गया। क्या 1975 में इंदिरा गांधी क्या किया था देश को इमरजेंसी लगा के? कोई उस समय लोकतंत्र हत्या नहीं हुआ था? आज मोदी जी जीत रहे हैं तो कह रहे EVM खराब हो गया है। कर्नाटका में कांग्रेस जीत गया तो EVM सही हो गया, पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत गया तो EVM सही हो गया, दिल्ली में केजरीवाल जीत गया EVM सही है, वही हार गया था बुरा हो गया। अब बता दीजिए, बंगाल का मुख्यमंत्री कहता है क्या हुआ अभी बंगाल में? बंगाल में मोदी को कोस कोस से गाली देती है ममता जी, अपने घर में देखते क्या होता है? महिलाओं के साथ शोषण किया गया था, जेल में शोषण हो रहा है, महिला गर्भवती हो जा रहा है जेल में। जेल में किसके साथ गर्भवती महिला होता है भाई? ममता तो महिला मुख्यमंत्री है, महिला को कहाँ साथ दे रहा है? सहमत है इनकी बात से? बिल्कुल सहमत है जी। क्या गलत बोला है बताइए? फर्नीचर मार्केट में क्या बदलाव आया? बदलाव ये तो दिल्ली सरकार है ना, दिल्ली सरकार का थोड़ी काम है कि यहाँ पर करेगा। सांसद तो लेकिन BJP की है ना, तो ये अभी फर्नीचर ब्लॉक डेवलप हुआ है, करोल बाग हुआ है, कमला नगर हुआ है, ये सारा डेवलपमेंट ही तो है। विकास हुआ है, मतलब विकास तो हो ही रहा है धीरे धीरे मिक्स मिक्स में। यदि आप पार्टी और BJP एक साथ चलती, सेंट्रल और राज्य सरकार दोनों मिलकर चलती, तो दिल्ली का विकास होता। दिल्ली तो ठप हो गई है बिजनेस के तौर पे, हर किसी के तौर पर बिजनेस कहाँ, दिल्ली में कहाँ तरक्की है? कुछ नहीं है, ये फ्लाईओवर बन रहे हैं, कोई अधूरा कोई कैसा, दुनिया को प्रॉब्लम में डालकर यदि कोई चीज़ हो रही है उससे तो कुछ हल नहीं हो रहा ना। जो डेवलपमेंट क्या है, स्कूल अभी बच्चों को MCD में बच्चों को किताबें नहीं मिली है, और हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। हाँ तो कुछ होता ही नहीं, नेताओं का पता नहीं अपना क्या सिस्टम है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। मोदी जी के काम से खुश है या दुखी है ये बताइए? मोदी के काम से खुश है, सबके चेहरों पे देखो चमक है, देखो किसी को भी देख लो आप, सब चमक रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। और अच्छा, पहले जो इन्होंने बताया GST का, बिल्कुल सच बता रहे हैं, बिचौले ही खा जाया करते थे। देखिए, हम लोग कीर्ति नगर की फर्नीचर मार्केट में मौजूद थे, जहां पर हमें मिला जुला जो है वो पब्लिक ओपिनियन मिला है। कुछ लोगों का कहना है कि यहां पे BJP के जो सांसद हैं मौजूदा समय में, मीनाक्षी लेखी को हमने देखा ही नहीं है। और हालांकि BJP ने अब की बार उनका टिकट काट दिया है और बांसुरी स्वराज को अब की बार टिकट दिया है। साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से 3 बार से विधायक रहे सोमनाथ भारती को टिकट दिया गया है, लेकिन यहाँ पर लहर जो है वो किसकी तरफ है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि 25 मई का लोगों को इंतज़ार है। 25 मई को दिल्ली में वोटिंग है। और क्या विकास फर्नीचर मार्केट में हुआ है? लोगों ने बताया कि सड़क बन गई है, गंदगी थोड़ी साफ़ हुई है, लेकिन हालांकि हमने आपको दिखाया विजुअल के माध्यम से कि वहाँ पर गंदगी अभी भी है, कुछ कुछ एरिया हैं जो अभी भी बेकार हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कॉमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ। कैमरा पर्सन विवेक के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली।